नाजरीन आदाब, एटीवी रेचुर में आप तमाम का खैर मकदम है। शहर के आश्रया कॉलोनी में उर्दू लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से इस लर्निंग सेंटर का क्याम अमल में लाया गया है। शहर के आश्रया कॉलोनी चंद्रबंडा रोड में कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलुर और माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव ऑटो ड्राइवर सोसाइटी रायचूर के इश्तराक से एक उर्दू लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रुकन साजिद पाशा ने कहा कि उर्दू लर्निंग सेंटर कायम करने का मकसद उर्दू के नौनिहालों को उर्दू से जोड़ना है और उनको उर्दू स्कूल तक पहुँचाना है। ये महकुमा बहबूदी अतफाल को उर्दू आंगनबाड़ी कायम करने के लिए तरगीब देना भी है। इस सिलसिले में मुस्बत पहल हो चुकी है। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिका रुकन जिला पंचायत बशीरुद्दीन ने कहा कि शहर में उर्दू लर्निंग सेंटर का क़याम एक अच्छा इकदाम है, इससे उर्दू के फ़रोग को तकवीत मिलेगी, इस तरह के काम होने चाहिए। कांग्रेस जिला अखिलेती सेल के सदर व रुकन बल्दिया जे साजिद समीर ने कहा कि इस उर्दू मरकज़ की इमदाद करने हम हमेशा तैयार हैं और इसकी तरक्की के लिए हमसे जो हो सकेगा वो ताउन ज़रूर करेंगे। मौजिब वक्फ ऑफिसर एस के हुसैनी ने अपने खिताब में कहा कि शहर के मजाफात में उर्दू मरकज़ का क़ायम होना उर्दू की तौसी और तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम है। इस मौके पर साबिका रुकन बल्दिया सैयद नूरुद्दीन, महबूब आलम, अंसार पाशा, अब्दुल नबी बादशाह और दीगर भी मौजूद थे। मेहमान आए साजिद साहब का और बशीर भाई साहब का और नूर भाई का और हमारे अफसर भाई साहब का जो इस मेहमान इसमें आए हैं, और ख़ास कर जो उर्दू को ज़िंदा करने के लिए जो बच्चों को भेजने की ज़रूरत है, आप लोग हिम्मत करके ये बच्चों को उर्दू, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है। बात जगह पे हम देखते हैं मुसलमान उर्दू ज़बान से उर्दू बात सही नहीं निकलती, उर्दू बात सही नहीं समझते हैं, उर्दू अल्फाज सही नहीं आ रहे हैं, तो इस हमारी मादरी ज़बान होते हुए भी उर्दू नहीं बात करते हैं। ऐसे टाइम पे इस तरह से ये अच्छे सेंटर्स खोले गए हैं, अच्छी शुरुआत है लर्निंग सेंटर्स, इसके लिए हम लोग सब ना के आलम साहब चला रहे, बोल के आलम साहब का नहीं है, आलम साहब के इसके मकान में भेजना है क्या, वहाँ भेजना है, यहाँ भेजना, मतलब अना का मसला छोड़ के सब हम सब एक हो के मुसलमान हैं हम लोग, बस ये उर्दू लर्निंग सेंटर को ज़िंदा रखना है, उर्दू को बढ़ाना, ये नियत हमारे दिल में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स हम रायचूर में लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस इतने कह के अपनी जगह लेता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही तेजी के साथ उतर के आए, मैं मुबारकबाद देता हूँ, साथ साथ बिलखसूस शहनशीन पर मौजूद जमा साहब खायद, ज़िले में जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो लोग एक यूनियन बना के वो लोग ये प्रपोज़ल है कि अगर इस तरीके से अगर बेसिक पहली से पहले जैसे LKG UKG प्राइवेट स्कूलों में हो पाए, उस तरह से अगर गवर्नमेंट स्कूलों के उर्दू स्कूलों में और उर्दू एकेडमी के जानिब से अगर छोटे बच्चों में अगर ये चलाया जाता है तो इससे कुछ पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार मिलता और हमारे जो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रेंथ कम हो रही है LKG से उन्हें प्राइवेट के हवाले हो रहे हैं और उर्दू स्कूलों को जो 5 साल तक बच्चे रह रहे हैं स्वास्थ्य उर्दू स्कूल का भी खात्मा हो रहा है, लिहाजा